विकी कौशल स्टारर मूवी सैम बहादुर जो है वो काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। इसके जो ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुई उसके बाद से दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि इस मूवी को देखें। जैसे ही इसकी रिलीज डेट सामने आई थी उसके बाद से ही दर्शक जो थे बस इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये मूवी रिलीज हो जाए और वो थिएटर में जाके देखे। तो अब जो है वो इंतजार खत्म हो चुका है, आज वो मूवी रिलीज हो चुकी है और आप सुबह से ही देख सकते हैं थिएटर के आगे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब जो है धीरे धीरे रिव्यू भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर ही जब लॉन्च हुआ था तभी कई सारे सेलिब्रिटीज का भी जो था वो काफी अच्छा रिव्यू आया था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने भी अपना रिव्यू शेयर किया था, उनको भी सैम बहादुर काफी अच्छी लगी थी ये मूवी। विकी कौशल की एक्टिंग जो है वो अभिषेक बच्चन को काफी पसंद आई थी, उन्होंने काफी तारीफ भी की थी। अब इंतजार है दर्शकों के रिव्यू का और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सैम बहादुर जो है वो एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, इतिहास को दर्शाता है। इस मूवी में भारत के इतिहास को बताया गया है। इस मूवी में जो विकी कौशल है वो फील्ड मार्शल सैम का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी में दिखाया गया है किस तरीके से उन्होंने अपने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है और इसी वजह से जो दर्शक है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते भी नज़र आ रहे हैं। तो सैम बहादुर को देखने के लिए जो दर्शक है वो तो काफ़ी एक्साइटेड हैं ही, लेकिन यहाँ पर विकी कौशल के लिए मुश्किल भी खड़ी होती नजर आ रही है क्योंकि विकी कौशल को सीधा सीधा टक्कर देने के लिए रणबीर कपूर भी मैदान में उतर चुके हैं। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी जो काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है वो भी आज ही रिलीज हुई है। अब दोनों की मूवी जो है मूवी थिएटर्स में कोलैब कर रखी है, मूवी थिएटर्स में क्रैश कर रखी है और जो दर्शक हैं यानी जो ऑडियंस है उनके माइंड सेट को कहीं ना कहीं डगमगा रखी है। कई लोग रणबीर कपूर की मूवी देखने जा रहे हैं और कई लोग सैम बहादुर यानी विकी कौशल की मूवी देखने जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मूवी क्रैश के बीच में कौन सी मूवी बाजी मारती है, सैम बहादुर या फिर एनिमल। आपको क्या लगता है और आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हैं, विकी कौशल को देखने वाले हैं या रणबीर कपूर को, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।